सर कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बुक्ड ए प्रॉपर्टी, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस प्रोजेक्ट को लेके पर्टिकुलर? थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग विद दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. फाइन सर. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी नाइस प्रॉपर्टी इन दिस पर्टिकुलर रीजन. वी हैव विज्ड एट नंबर ऑफ द प्लेसेज इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, एंड आफ्टर सीइंग दिस वेयर वी वेंट वी फाउंड दैट नन ऑफ द प्रॉपर्टीज like this particular property. Really great sir. तो आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आपको मतलब सही प्रॉपर्टी एडवाइस करी? Yeah, so I must thank you that you have given guidance to us to book a property in this particular area. So nice of you. तो मैम आपको आपने टू लाइन आप भी बताइए, आपने आपको कैसा लगा हमारे साथ एक्सपीरियंस? थोड़े अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी. एक्चुअली मैं नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने के में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि कुछ बिल्डर्स की इस तरह की पीछे कुछ घटनाएं हुई. मैंने नोएडा में प्रॉपर्टी ना खरीदने का मन बनाया था, पर मुकेश जी और विशाल जी ने हमें यहाँ प्रॉपर्टीज़ दिखाई, और वो देखने के बाद ये प्रॉपर्टी हमें पसंद आई, बहुत अच्छी लगी. और सच तो यह है कि इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखी वो कोई भी इसके सामने अच्छी नहीं लगी. तो एक तो क्लियो काउंटी में घर खरीद के आई एम फीलिंग प्राउड, एंड मुकेश जी एंड विशाल जी का शुक्रिया और आभार कि इन्होंने हमें एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने में हेल्प की. और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद जो मतलब इन्होंने हमें एक अच्छी प्रॉपर्टी चुनने में सही मदद की. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट.